इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़। एडमिशन जारी। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर आजमगढ़ एडमिशन जारी। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में एक अय्याश किस्म का व्यक्ति जो पहले से ही शादीशुदा था अपने ही मोहल्ले की एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर रफूचक्कर हो गया। वहीं युवती के परिवार के लोगों का कहना है कि हमारे ही क्षेत्र के निवासी हमारी पुत्री को अपने प्रेम जाल में फंसाकर काफी दिनों से चोरी छुपे मिलना जुलना कर रहा था। इसी बीच जब हम लोगों ने इस घटना के बारे में जाना तो अपनी पुत्री की शादी तय कर दी और आगामी 25 अप्रैल को पुत्री की शादी थी। जैसे उस युवक को इस बात की खबर लगी वो लगातार परिवार के लोगों को धमकी देने लगा। उसका कहना था कि तुम्हारी बेटी को भगा ले जाएंगे। परिवार के लोगों ने कहा कि और अंततः हमारी बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गया। परिवार के लोगों ने बताया कि चूंकि हम गरीब परिवार से हैं और मारपीट नहीं कर सकते, ऐसे में हम पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हैं कि हमारी बेटी को जल्द से जल्द बरामद किया जाए ताकि हम बेटी की शादी अच्छे परिवार में कर सकें। परिजनों ने कहा कि हमारी बच्ची का भविष्य खतरे में है। हमें डर है कि आरोपी हमारी बेटी के साथ कोई भी अप्रिय घटना कर सकता है और बाद में इसे छोड़कर भाग भी सकता है। परिजनों ने कहा कि ऐसे में हम पुलिस अधीक्षक से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बेटी को बरामद कर अपराधी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि क्षेत्र में किसी अन्य की बेटी के साथ इस तरह की अप्रिय घटना या परिवार के साथ इस तरह की घटना न घट सके। मामला ये है सर जी, मेरी एक बिटिया थी जो पवन गोड ने उसे भगा ले गया। मेरी बिटिया गई थी बर्थडे का सामान लेने के लिए और वहीं से वो फुसला के धीरे से बैठा गाड़ी जबरदस्ती लेके चला गया। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि मेरी बच्ची मुझे मिल जाए। विवाद तो नहीं था, अब ना जाने कहाँ से उसकी दुश्मनी थी मुझसे प्रति, ये तो नहीं ओपन नहीं हो पाया। ये कई दिनों से यही चक्कर चल रहा था इसका है, लेकिन कोई ओपन नहीं कर पाए, नहीं देख पाए हम लोग। ये अपना चांस पाया, मेरी बेटिया गई थी बर्थडे सामान लाने के लिए, फिर वहीं से उसने जबरदस्ती बैठाया, तुरंत जबरदस्ती दोनों लेके तुरंत भाग गए। सिधारी यहीं पर है, सिधारी पे है सुभाष नगर। अच्छा, तो आप पुलिस से क्या मांग करते हैं? पुलिस से जिस हिसाब से यही मांग करता हूँ कि मेरी बच्ची जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।